सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, मणिपुर कांड को लेकर बोला हमला। गुजरात कांड के इतिहास को मणिपुर में दोहराया जा रहा है। पीएम पद के लिए योग्य है नरेंद्र मोदी। असल में बात यह है कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि पूरे जितने ध्रस बैठे अमित शाह योगी जहाँ जाए उनके लोग बने धर्म की आड़ में शिकार कर रहे हैं, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मणिपुर जो कांड है वो तो बड़ी शर्मनाक घटना है। इससे भी पहले तमाम शर्मनाक घटनाएं हो चुकी हैं। भगवान का हाथरस कांड हुआ, चिपकी अनंत का कांड हुआ, बलात्कार हुए और इतना ज़बरदस्त जो है जो इतने कांड हो चुके हैं तो सरकार के कांड भी क्यों नहीं रह गया है और मोदी कभी जवाब नहीं देते। ये एक इतने बड़े लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया के अंदर जो है, लेकिन उसका प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलता। वो मैं उसे अयोग्य मानता हूँ प्रधानमंत्री को, और ये सब उसी की चुप्पी की वजह से सब हो रहा है। ये सब क्राइम कर चुके हैं। 2002 में इन्होंने अहमदाबाद में वहाँ गुजरात के अंदर जो तांडव किया है वो खून अभी जो है वो इनकी आँखों में है। और वही घटनाएं जैसे दिल्ली बानों के साथ हुआ है, कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया और इन्होंने 15 अगस्त 1922 को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। बड़ी शर्मनाक घटना थी वो। अब यही कांड दोबारा इन्होंने वहाँ मणिपुर के अंदर कर रहे हैं। मणिपुर में हजारों लोग मतलब लोग मारे गए और सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वहाँ इतना खुलेआम कारनेज हो रहा है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फौरन करना चाहिए। जो हमारा एकजुट हुआ है विपक्ष जो है, तो मैं समझता हूँ कि तुरंत उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं और सरकार को गिराने का काम करें।